Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian Edufun classes. Edufun online classes includes course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. Hello everyone, here we are back again with our Environmental Studies of Class 5th, Chapter number 9, Food Production. Yesterday we have studied the four steps of farming. The first step was preparing the soil, second step was adding fertilizer, third step is sowing the seeds, fourth step is watering the plants, yani irrigation. फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना होता है, प्लांट्स जो हमने क्रॉप्स को ग्रो किया है उसको पानी देना होता है, और उसके अलग अलग मेथड हमने पढ़े थे, कैनाल इरिगेशन, वेल वाटर, पर्शियन व्हील और राहत ढेकली एंड सोइंग बास्केट्स एंड अरेशन डिवाइसेस, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, दैट इज रिमूविंग द वेड्स. बट उससे पहले एक बार थोड़ा सा नो मोर पढ़ लेते हैं. द लार्जेस्ट कैनाल जो है हमारे इंडिया में वो है इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि कितना बड़ा है, 650 किलोमीटर लॉन्ग. ओ माई गॉड. The canal brings water from the Bias and Satluj River in Punjab to the dry regions of Rajasthan. जो राजस्थान के बहुत ही सूखे एरिया हैं, सूखे जगहें हैं, वहाँ पर ये जो कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो ब्यास और सतलुज रिवर से पानी लेता है और ये ड्राई रीजन्स में राजस्थान के पहुँच जाता है. अब हम पढ़ते हैं जितना भी हमें द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर्स. जितना भी जिस क्रॉप को पानी चाहिए होता है उस क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है, और अलग अलग फैक्टर्स क्या हैं कि जिस जगह पर उस क्रॉप ग्रो किया उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है या गर्म है. अगर ठंडा है तो बहुत ही कम पानी लेगा क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होगा, और अगर गर्म है तो उसको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी क्रॉप को. नेक्स्ट है द टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन, कि कौन से टाइप की क्रॉप ग्रो की है. अगर तो आपने राइस ग्रो करे हैं तो राइस को तो बहुत ही ज़्यादा पानी चाहिए होता है, उसको तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है राइस को, और अगर कोई और क्रॉप है तो उसको इतना ही नहीं चाहिए होता इन कंपेरिजन टू राइस क्रॉप. नेक्स्ट स्टेप है रिमूविंग द वीड्स, ये है आपका फार्मिंग का नेक्स्ट स्टेप. इरिगेशन के बाद, इरिगेशन हुई, पानी दिया, क्रॉप्स ग्रो हुई, क्रॉप्स के साथ साथ एक्स्ट्रा प्लांट्स भी ग्रो हो गए. जैसे घास होती है, घास का तो हम कोई क्रॉप नहीं, कोई सीड नहीं लगाते, घास तो अपने आप उग जाती है. तो ऐसे ही वीड्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए होते, और एक्स्ट्रा ग्रो हो जाते हैं क्रॉप्स के साथ, और क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट्स को भी यूज़ करते रहते हैं अपनी. जब वो कोई भी चीज़ अगर ग्रो होगी, छोटा बेबी अगर ग्रो होगा तो वो ग्रो कैसे होगा, उसको हम खाना खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, तभी तो ग्रो होगा. ऐसे ही वीड्स, कोई भी प्लांट का भी हिसाब है, प्लांट्स कहते हैं लिविंग बींग्स है, तो कोई भी प्लांट ग्रो हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए तभी ग्रो हो रहा है. तो जो न्यूट्रिएंट्स हमने फर्टिलाइजर्स ऐड करे हैं अपनी क्रॉप्स के लिए, तो वो क्रॉप्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ले रहा है वीड एक्स्ट्रा प्लांट, जो कि हमें नहीं चाहिए वो ग्रो हो रहा है. तो वो हमारे क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स क्यों ले, हम नहीं चाहते कि हमारे क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा प्लांट ले जो कि हमें चाहिए ही नहीं, तो हम कहेंगे कि आप इसके साथ मत हो, तो हम वीड्स को हटा देंगे. जैसे आप देख सकते हैं ये वीड्स को हटा रहे हैं, रिमूविंग वीड्स, उसको कहते हैं वीडिंग. क्या कहते हैं वीडिंग, क्या होता है वीड्स को रिमूव करना, एक्स्ट्रा प्लांट्स को रिमूव करना. तो वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप्स फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड नीड टू बी रिमूव्ड. वीड्स कैन बी डन मैनुअली, वीडिंग कैन बी डन मैनुअली यूजिंग हो और सिक्कल और विद मशीन. जैसे ये मैनुअली हाथ से कर रहे हैं या फिर मशीनों से भी कर सकते हैं, वीड्स को हटा सकते हैं क्योंकि वो हमारे प्लांट का न्यूट्रिएंट खाते हैं जो भी हमने क्रॉप्स ग्रो किए. स्प्रेइंग, नेक्स्ट स्टेप है स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स. अब हमने कोई भी क्रॉप ग्रो की है, अब उसमें उसको ग्रो होने में टाइम तो लगेगा, तो उसको कोई भी इंसेक्ट्स आके ख़राब ना कर जाए या कोई भी जानवर आके ख़राब ना कर जाए, तो इन फार्मर्स क्या करते हैं उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं ताकि कोई भी इंसेक्ट जो है उस पर आए और वो खुद ही मर जाए और हमारे वेजिटेबल्स जो क्रॉप्स हैं उसको ख़राब ना करें. टू प्रिवेंट द क्रॉप फ्रॉम बींग ईटन बाय इंसेक्ट्स और अदर पेस्ट, फार्मर स्प्रे क्रॉप्स विद पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड ताकि कोई और जानवर आके उसको खा ना ले. नेक्स्ट है अब स्प्रे करती हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, उसके बाद क्या करते हैं, अब काटना भी तो है, क्रॉप रेडी हो गई है 6 महीने बाद या जितना भी टाइम लेती है, क्रॉप्स रेडी हो गई, उसको हम काटना है, हार्वेस्टिंग द क्रॉप. जैसे गेहूं क्या है, गेहूं कब लगाते हैं, विंटर्स में लगाते हैं, मेरे ख्याल सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर में, एंड देन उसको हार्वेस्ट कब करते हैं, काटते कब हैं, बैसाखी में ना, अप्रैल मई जून में काटते हैं उसको, हार्वेस्ट करते हैं ना, तो हार्वेस्टिंग क्रॉप. वंस द क्रॉप इज़ राइप और मैच्योर, जैसे ही क्रॉप जो है रेडी हो गई, बन गई कम्प्लीट, द फार्मर हार्वेस्ट द क्रॉप मैनुअली.
और थ्रू मशीन्स, या तो फार्मर्स के पास अगर मशीन है तो मशीनों से हार्वेस्ट करेंगे, अगर आप खुद नई मशीन नहीं है तो वो हाथ से भी करते हैं। द ग्रीन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग की प्रोसेस से क्या होता है, वो जो ग्रेन्स हैं जैसे कि चावल उगाए या गेहूं उगाए, वो तो किसके साथ उगाए, एक उस लंबी सारी क्या होती है, पूरे के पूरे एक प्लांट के साथ उगता है, तब उसके अंदर एक दाना होता है। उसको थ्रेशिंग कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ, उसको सेपरेट कैसे करते हैं, उस ग्रेन को, उसके दाने को, गेहूँ के दाने को, विद द हेल्प ऑफ थ्रेशिंग, थ्रेशिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। आफ्टर थ्रेशिंग द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क बाय विनोइंग। अब उसके बाद भी उसमें क्या हो जाता है, मिट्टी आ जाती है, मिट्टी को भी हटाते किससे हैं, विनोइंग से, ठीक है, उसमें से दाना चुन चुन के निकालते हैं। तो ये हो गए हमारे स्टेप्स ऑफ फार्मिंग हार्वेस्टिंग तक। अब हार्वेस्टिंग से लेके अब क्रॉप्स तो हमारी जो हो गई हैं, वो हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग भी हो गई है, ग्रेन्स में निकल गए, ग्रेन्स में से जो मिट्टी है वो भी निकाल दी विनोइंग, एंड उसके बाद क्या करना है, हमारे किचन तक कैसे पहुँचते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जर्नी टू द किचन। द ग्रेन्स दैट आर हार्वेस्टेड अंडरगो अ लॉन्ग जर्नी बिफोर दे रीच अवर किचन्स। उस अभी भी बहुत लॉन्ग जर्नी है हमारी किचन तक पहुंचने के लिए, हार्वेस्ट होने के बाद भी। तो नेक्स्ट है, आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग द ग्रेन्स आर ड्राइड। अच्छा, अब देखिए क्या हो गया, हमने ग्रेन्स को उस प्लांट में से निकाल भी दिए, जो गेहूं के दाने हैं या चावल के दाने हैं उसको हमने थ्रेशिंग करके निकाल दिए, फिर साफ़ भी कर दिया, विनोइंग भी कर दिया, उसके बाद उसको हमने सन के नीचे मतलब धूप में उसको सुखाना भी है, क्योंकि उसके अंदर तो मॉइस्चर होगा, अभी ड्राई करना है, सन के नीचे सुखाना है ताकि उसका सारा मॉइस्चर निकल जाए। समटाइम्स दे आर सेंड टू मिल्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। कभी कभी तो उनको मिल्स, जो इंडस्ट्रियल मिल्स होती हैं, उसमें भी भेजा जाता है ताकि उसके ऊपर और प्रोसेसिंग हो पाए। फिर दे आर देन स्टोर्ड इन द लार्ज कंटेनर्स। उनको तब जाके लार्ज कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आपका है एनिमल हस्बेंड्री। जो लोग भी एनिमल्स की देख रेख करते हैं, उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो होते हैं एनिमल, वो करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। फार्मर्स ऑल्सो रेज डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉर फूड, फूड के लिए उनको रेज करते हैं, दिस इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इन डेयरी फार्मिंग, जो डेयरी होती है, डेयरी में से हम क्या लाते हैं, दूध लाते हैं ना, तो डेयरी फार्मिंग जहाँ पर गाय भैंसें खड़ी होती हैं, तो कैटल्स आर रेज फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, एंड वहाँ पर गाय भैंसों को देख रेख की जाती है, वहाँ इनके मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मिल्क मिलता है वहाँ पर। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग में जहाँ पर हैंज होती हैं, डक्स होती हैं, वो उनको क्यों रेज करती है, ताकि उनसे एग्स मिले या मीट मिले। एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये क्या, और बीज को कलेक्ट किया हुआ है, एपिकल्चर का, जो बीज को कलेक्ट करते हैं, और एपियरिस्ट रियर हनी बीज फॉर हनी, दीज बीज आर कैप्ट इन एपियरीज, एपियरीज में जहाँ पर बीज को रखा जाता है। नेक्स्ट इन एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर जहाँ पर पानी के रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स जो रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल लाइक फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स आर रियर फॉर कंजम्पशन, जहाँ पर एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं उसको कहते हैं एक्वाकल्चर, होगा एक्वाटिक एनिमल्स को पाला जाता है कहते हैं एक्वाकल्चर। तो ये आप एक बार विजिट कर लीजिए, रिविजिट कर लीजिए, ये सारे स्टेप्स हैं आपके फार्मिंग के। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 9, फूड प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, तो एक बार आप रीडिंग कर लीजिए और ये स्टेप्स को रीड कर लीजिए। दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 9, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।